हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। मैं आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं आपका। आज से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो गया। आज की वीडियो देखेंगे 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट के क्वेश्चन। आपके पास यदि क्वेश्चन उपलब्ध है, कृपया करके हमें इस नंबर पर आप सेंड करेंगे 7903584042 पे। आप यहाँ पे देख लीजिए नंबर, एक बार फिर 7903584042 पे आप सेंड करेंगे। अपना नाम और एड्रेस भी देंगे ताकि मैं आपका नाम भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ सबके लिए, ताकि आपने जो हेल्प किए कीजिएगा नेक्स्ट जो भी बच्चे का एग्जाम होगा उनको हेल्प होगा। दोस्तों, बस आप ही से रिक्वेस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जीके का क्वेश्चन, बाकी बात जो भी जीके का हो गया, हिंदी का हो गया या इंग्लिश का, सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, और हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छा एनालिसिस आपको होने वाला है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो स्टार्ट बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आने वाले एग्जाम। जो भी शिफ्ट बचा हुआ एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा ज़्यादा आपको हेल्प होगा और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आप हमने मॉक टेस्ट डाला है, 4 मॉक टेस्ट, उस 4 मॉक टेस्ट के अलावा आपको 70% क्वेश्चन आया हुआ नहीं होता विश्वास। 4 मॉक टेस्ट को देख लीजिए और इस आज का जो एग्जाम बच्चे दिए हैं आप देख लीजिए, 4 मॉक टेस्ट से लगभग क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चाहे आपको साधारण व्यास से क्वेश्चन हो, चक्रधी व्यास का क्वेश्चन हो, लाभानी का क्वेश्चन हो, लगभग सारे चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया दोस्तों, 40 SP हो गया, और क्रय मूल्य को हम CP से सूचित करते हैं, कितना हो गया, 50 CP हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मेरा SP कितना हो गया, तो SP मेरा कितना हो गया, 50 हो गया, तो ये वाला पार्ट आपको SP हो जाएगा। और CP कितना हो जाएगा, तो आपका 40 हो जाएगा। तो अब बताइए कि खरीदे थे 40 में, बेचे कितना में, 10 में, कितना का लाभ हो गया यहाँ पे आपको, 10 का क्या हो गया आपको, लाभ हो गया। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा कितना हो जाएगा, लाभ बराबर होता आपको लाभ गुणे 100 बट्टे क्या हो जाएगा आपको, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपको 40 है, ठीक है। ये 0 0 कट गया आपको, 25 बार में कटेगा तो 25% का आपका क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि ए का 20%, बी का 35% हो तो ए अनुपात बी कितना होगा। तो ए का 20%, ठीक है, तो 20 बटे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, बराबर कितना हो गया, बी गुना 35 बटे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। प्रतिशत को 100 से सूचित करते हैं, ये 100 आपको कट गया, ये कितना हो गया, 4 5 20 हो गया, ये आपको 5 7 35 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कितना हो गया, 4A बराबर कितना हो गया हमारा, 7B हो गया। हमको पूछा कि ए अनुपात बी कितना होगा, तो ए अनुपात बी कितना होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 अनुपात 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता कि कोई धन 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 792 रुपया हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका क्वेश्चन हमने पिछला टेस्ट जो प्रैक्टिस से डाला है उसमें भी क्वेश्चन हमने ये प्रोवाइड किया था इस टाइप का। तो यदि आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का यदि आपका रिलेशन दिया हो तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, CI/SI होता है, इसको याद रखिएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। 200+ बटे कितना हो जाएगा आपको, 200 हो जाएगा, ये 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है। RRB TPC में इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ, 792 दिया हुआ, SI आपको पूछा है, बराबर दर कितना आपको 20% है, तो 200+R कितना हो गया, 220, अब बटे कितना आपको, 200 पहले से यहाँ पे है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, ये आपको 11 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे, 11 7 77 11 2 22 हो गया, यहाँ पे 0 बचा हुआ था, SI बराबर कितना हो गया, 72 गुना 10 कर देंगे, कितना हो गया आपको, 720 रुपया होगा। आप नोट कर लीजिए इसको, आपको यदि आने वाले एग्जाम या आने वाले शिफ्ट में पूछेगा ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये LCM SF क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, आपको 0 बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 6 7 8 का क्या करना है, LCM निकालना है। इसका LCM निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको, 2 5 2 6 7 2 4 8, ये कितना हो गया आपको, 5 2 10 30, 30 7 कितना हो गया, 210, 210 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 0 4 8 4 2 8 840। तो LCM मेरा तो 840 हो गया। जो संख्या बनेगा हमारा वो बनेगा दोस्तों आपको 840x+3, ठीक है। ये संख्या आपको किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, तभी आपका ये आंसर बनेगा।
तो 9 से विभाजित, ये 9 से विभाजित कब होगा, जब x का वैल्यू हम रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे 2 रखेंगे, कि आपको 9 से ही विभाजित होगा। छोटा सा काम करना आपको, 840 में एक बार 9 से भागा दे दीजिए। 99 कितना हो गया, 81 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, 9 27 हो गया, शेष कितना बचा, 3 बचा, 3x+3 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका बचा हुआ। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर छोटा हो गया, पुट करने में आसान होगा, एक रखेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, 3 × 1 = 3, 6 नहीं कटेगा, 3 × 2 = 6, 3 = 9, मतलब x का वैल्यू 2 रखने पर ये 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 9 2 हो जाएगा, 840 × 2 + 3 कितना हो गया, 1683 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन है। किसी वस्तु का कहता कि अंकित मूल 10,000 रुपये, जैसे तीन कर्मी की छूट पर क्रमशः 10%, 8% और x प्रतिशत पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 78-86 रुपये हो तो x का मान कितना होगा। दोस्तों क्या होता है कि SP बराबर आपको लिख लेना है MRP × 100 - D1/100, इसको लिख लेना है ताकि आपको एग्जाम में अभी कम टाइम है तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 100 - D3/100, ये आपको आगे हो सकता है और भी डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि SP आपका जो, चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या है कि विक्रय मूल्य कितना 7886 हो गया, तो ये 7800 कितना हो गया आपको, 66 हो गया। MRP कितना आपको 10,000 दिया हुआ, कितना हुआ 10,000। पहला छूट 10% है तो कितना हो गया, 90/100 हो जाएगा। दूसरा छूट आपको 8% दिया तो 92/100 हो जाएगा। और तीसरा छूट आपको x% दिया तो 100 - x कितना हो गया आपको, 100 हो गया, ठीक है। तो ये चार सुना आपका कट जाएगा, तो एक सुना ये भी कट जाएगा, तो इसको 9 बार में काटेंगे, ये आपको 9 8 72 हो गया, 6 9 7 63 हो गया, 9 4 36 हो गया, तो 92 को उसको काटेंगे, ये आपको 9.5 बार में कटेगा। अब देखिए 9.5 × 10 बराबर कितना बचा आपको, 100 - x बचा, ये आपको देखिए कितना हो जाएगा, x को इधर लाइएगा तो ये 100 - 95, मतलब x का मान कितना हो गया आपको, 5% का जो छूट दिया जाएगा, जो तीसरा छूट होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपको, 5% का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको SP कितना दे दिया यहाँ पे, 33 दे दिया, ठीक है। 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ कितना हो गया यहाँ पे, 11 हो गया, तो खरीदा होगा कितना में, क्योंकि 33 में लाभ हुआ है, 33 में बेचने पर 11 रुपये का लाभ हुआ है, तो CP कितना हो जाएगा, 33 में 11 घटा देंगे कितना होगा, 22 हो जाएगा। और प्रतिशत लाभ यहाँ पे नहीं पूछा, तो 11/ कितना हो गया, 22 × कितना हो गया आपको, 100 हो गया, तो 11 × 2 = 22 हो गया, काट देंगे कितना बार में कटेगा, 50% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन की, 0.08, 0.018 का मध्य समानुपाती क्या होगा। दोस्तों तो यहाँ पे हम कुछ डाटा लिखा देते हैं, याद रखिएगा ताकि आने वाले जो एग्जाम हो उसका वहाँ पे हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी का जो प्रथम समानुपाती होता है, प्रथम समानुपाती, ठीक है, प्रथम समानुपाती होगा वो जाए आपको a²/b, ठीक है। ए और बी का जो मध्य समानुपाती होगा, ठीक है, जो अभी आपको एग्जाम में पूछा है, मध्य समानुपाती जो होगा वो कितना होगा, √ कितना हो जाएगा आपको, ab हो जाएगा। फिर क्या पूछा जा सकता है आपको, ab का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ये हो जाएगा आपको b²/a। और यदि पूछा जाए abc का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ये होगा b × c/, क्या हो जाएगा आपको, a हो जाएगा। तो हमको तो ये वाला पूछा है, ये √a × b हो जाएगा, कितना हो गया 0.008 × कितना हो गया, 0.018 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे क्या क्वेश्चन आएगा आपको, 3 क्वेश्चन आएगा, 1 2 3, यहाँ भी खत्म करेंगे कितना आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे के ऊपर में कितना, 8 और कितना हो गया, 18 कितना हो गया, 144 हो गया, तो 144। और नीचे कितना हो जाएगा आपको, 3 × 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गया आपको, और √ हो गया, तो 12 हो गया, और नीचे 6 क्वेश्चन का आधा कर देंगे, 3 गो आपका हो जाएगा नीचे, आंसर कितना होगा, 0.012 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 12:13 प्रोपोर्शन 24:x हो तो 67% ऑफ x का मान कितना होगा। क्वेश्चन है कि 12:13 प्रोपोर्शन 24:x हो तो 67% ऑफ x का वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/13 बराबर कितना हो गया, 24/x हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 12 × 2 = 24 हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, 26 हो गया। अब यहाँ पे वही वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, 67% का मान हो गया 67/100 का ऑफ मतलब का हो गया, मतलब कितना हो गया, 26 हो गया। तो 67 गुना कितना करेंगे आपको, 26 करेंगे, ये 1700 आएगा,
1742 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, सॉल्व करेंगे 17.42 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 1170 रुपया, ठीक है, जिसे आपको 10% हानि पर बेचा जाता है, कितना पे 10% हानि पे बेचा जाता है, और इसको 20% लाभ के लिए कितना पे बेचना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से ये दोनों सम क्या निकालेंगे हम, सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर कितना हो गया 1170 गुना 100 बट्टे कितना हो जाएगा आपको हानि हो रहा था 90 हो गया, ठीक है, ये 00 कट गया, 13 9 कितना हो गया आपको 17 हो गया, तो 1300 रुपया आपको क्या हो गया आपको सीपी हो गया। अब हमको यहाँ पे लाभ 10% पे कितना पे बेचना होगा, तो 1300 गुना कितना हो गया 120 बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये 00 तो कट गया, यहाँ पे 1 0 हो गया, 13 3 12 3 36 हो गया, 12 3 कितना हो गया 1560 रुपया क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन, 12% ऑफ 250 प्लस 16% ऑफ 300 बराबर 30% ऑफ 40 प्लस एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इस प्रतिशत को भी इधर लेते आते हैं, ये हो जाएगा आपको 12% ऑफ कितना हो गया 250 प्लस 16% ऑफ 300 और माइनस कितना हो गया आपको 30% ऑफ कितना हो गया आपको 40 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रतिशत तो सभी जगह कॉमन हो जाएगा, तो आपको नीचे प्रतिशत आएगा तो कितना हो जाएगा 12 गुना कितना हो गया 250 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 16 गुना कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा आपको 30 गुना कितना हो जाएगा आपको 40 बराबर कितना बट्टा 100 चूँकि प्रतिशत है सब जगह कॉमन आपका आ जाएगा। ठीक है, या तो गुना करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए फिर आपको क्या कॉमन आ रहा है प्रतिशत, तो नीचे जाएगा 10 10 कॉमन आएगा, 10 10 यदि कॉमन आता है तो आपका ये जीरो और ये भी आपका क्या क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब हम गुना कर लेते हैं, 1/10 हो गया, ये गुना करेंगे कितना हो गया 12 5 60 12 2 24 6 300 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना हो गया 16 3 48 480 माइनस कितना हो गया 4 3 12 120 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो गया 480 हो जाएगा, 0 हो गया 8 हो गया 4 3 7 780 माइनस 120 बट्टे कितना हो गया आपको 10 हो गया, घटा देंगे कितना हो जाएगा 0 8 में से 2 गया कितना हो गया 6 7 में से गया 6 बट्टे कितना हो गया 10 काट देंगे कितना हो गया आपको 66 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 66 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका देख सकते हैं दोस्तों कि 12 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 100 अगुना कितना हो गया 250 प्लस 16 बट्टे 100 हो जाएगा अगुना कितना हो गया आपको 300 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 30 बट्टे 100 अगुना कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। अब देखिए ए 00 तो कट जाएगा दोस्तों, ये हो गया 5 2 10 5 5 25 2 6 12 तो 6 5 30 यहाँ पे हो गया, ये 00 कट गया 16 3 48 हो गया बराबर ये जीरो हो गया 4 3 12 प्लस एक्स हो गया, ये जोड़ेंगे 8 78 माइनस 12 कटा देंगे कितना हो गया एक्स का मान कितना हो गया आपको 66 हो गया। ठीक है, चलिए कुछ सीरीज का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया मैथ दोनों में आता है रीजनिंग का क्वेश्चन, आपको देख लीजिए यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका ये देख लीजिए सीरीज का क्वेश्चन, फिर ये सीरीज का क्वेश्चन, फिर ये डाटा ये आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया आपको कि 5 हो गया 10 10 से कितना गया 17 17 से कितना गया 26 हो गया, ये क्या किया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, आगे क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 एक कितना हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आप 26 63 एकाएक जब भी बहुत ज़्यादा लंबा होती मतलब ये क्यूब या तो आपका स्क्वायर होगा, तो ये क्या किया है कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया आपको 0 हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा आपको क्यूब किया है क्यूब हुआ 3 3 9 3 27 में से 1 गया कितना हो गया आपको 26 हो गया, ये हो गया 4 का क्यूब माइनस 1 4 4 16 64 में से 1 घटेगा 63 हो गया, ये 5 का क्यूब माइनस 1 किया तो 125 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया 124 आगे क्या हो गया 6 का क्यूब माइनस 1 216 में से 1 घटा देंगे कितना होगा 215 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या किया है कि आपको ये क्या क्या कि 5 2 10 मतलब ये दिया तो ये आया हो तो इसका वैल्यू कितना होगा 5 2 10 प्लस 4 14 हो गया 8 2 16 5 कितना हो गया आपको 21 ऑप्शन में ये सब क्वेश्चन के आपको ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन होगा तो जल्दी बन जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।